मॉर्निंग, कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज है 24th of February। आज मेरा एग्ज़ाम है KPSPRT का और मैं घर से निकल रही हूँ। टाइम हो गया है 11:15 के आसपास। देवर जी मेरे को लेके जा रहे हैं अगेन इन्हीं की ड्यूटी। भागम भाग, भागम भाग। हम ऑन द वे हैं रोहतक की तरफ। रोहतक से निकल लिया, अभी सांपला की तरफ है बस पहुँच के। फिर देखते हैं कैसा क्या एग्ज़ाम होगा। पिछली बार में तो मैंने बड़े पारे न्यारे करे हैं मेरे पेपर के। इस बार देखो क्या होता है। और नवी को रखा था बुखार, उनको साथ नहीं लेके आई। मम्मी तो कह रही थी, छोटे वाला कह रहा था, आप कह रहे थे ना मम्मी को ले चलते हैं। फिर मैं जानबूझ के लेके आई क्योंकि रात हो जाएगी और सफ़र है 2-2.5 घंटे का, तो इतने में वो भी दुखी हो जाती और बीमार तो कुछ तो है ही, कुछ और ज्यादा हो जाती। गाइस, म्यूजिक पेपर देके मैं आ गई हूँ और मैं पेपर वहां पहुंची, मेरे को ध्यान नहीं रहा कि मैं वीडियो शूट कर लूँ। बस पेपर की एक टेंशन होती है ना, उसी में घुस गई अंदर। तो सोचा अब मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ मेरा पेपर कैसा हुआ। मेरा पेपर ठीक ठाक हुआ है। लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। देखो रात को कितना भयानक एक्सीडेंट हो रखा है। ओ तेरी, देख लो ना अगर जरूरत हो तो एक बार उतर के साइड में देख। लेडीज भी है, एक बार देख देख लो, देख देख कितने बुरे तरीके तो हाय राम। शॉट कोना किससे के बेरा आपने वो ना दिखो मेरी गाड़ी, गाड़ी अंदर देख तो लेते एक बार। मैंने वो एक्सपीरियंस भी होता है इतना कम ना। बस बहुत जबरदस्त एक्सीडेंट हो रखा था, बट अंदर डैमेज है बनी बाहर, लेकिन जो फ्रंट पोर्शन होता है ना वो उखड़ा हुआ था। साइड में डैमेज होने कोई भी कोशिश करती गाड़ी सेफ्टी से चलती नहीं इतनी। वो मन्नत के सामने हुआ था मानी का। गाइस हम पहुंचते हैं घर। बस नैनू तो आज बेचारी बुखार तो ऐसे हो रखा और भूख से जमा बिलख ली होगी। भरवा रहा है CNG गाड़ी में और ये देखो चोट लग गई। ये अपना CNG का पंप, वैदिक अन्नपूर्णा रसोई। देखो बहुत रात हो गई अभी, जी सा और भी ज़्यादा दुखी हो गया ये देख के। ठीक है अब पता नहीं यहाँ CNG भरवाने में कितना टाइम लगेगा। नैनू तो बेचारे की बिलख बिलख के जान ही सूख ली होगी। क्या थे, मैंने आते एक पेपर पे नोट डाउन कर लिए थे, तो मेरे उसके आए बाद मेरी ना अचानक तबीयत खराब हो गई थी इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। तो फिर मैंने नोट डाउन करे बाद आज मेरे को टाइम मिला तो मेरे को लगा अगर किसी की भी अगर हेल्प हो पाती है तो भी द बेस्ट है। तो फिर मैंने ना कुछ जो क्वेश्चन मेरे को याद थे वो मैं नोट डाउन किए थे। तो मैं साइकोलॉजी से बताती हूँ कैसे क्वेश्चन आए थे। NEP 2020 से भी क्वेश्चन आया था और एक क्वेश्चन था बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंसलिंग इन स्कूल। स्कूल में बेसिक प्रिंसिपल क्या होते हैं काउंसलिंग के, तो उसमें ऑप्शन दे रखा था कोऑपरेशन, एक्सेप्टेंस, डाटा कलेक्शन और एक ऑप्शन और था जो मेरे को याद नहीं है। मैं साइड में ना स्क्रीन पे चला दूंगी ये क्वेश्चन पेपर अगर आप लोग इससे करना चाहें। नेक्स्ट क्वेश्चन था एलिजिबल फॉर फ्री एजुकेशन अमंग डिसेबल्ड अकॉर्डिंग टू PWD बिल 2016। तो जो डिसेबल में जो एजुकेशन की एलिजिबिलिटी होती है वो कौन से एज ग्रुप में होती है, तो एज ग्रुप 0-14, 6-14, 0-18 इस करके कुछ था। तो फिर मैं आंसर लगा के आई थी 6-14। एक क्वेश्चन था हाइड्रोसिफेलिस मेंटल डिसऑर्डर कौन सा होता है, तो इसके ऑप्शंस मेरे को ध्यान नहीं है लेकिन ऑप्शन देख के ही मेरे को पता चल गया था भाई ये कौन सा है। और एक क्वेश्चन था एक्ट फॉर राइट ऑफ चिल्ड्रन 6-14 ईयर ऑफ एज न्यू मेड, जो न्यू एक्ट
राइट ऑफ चिल्ड्रन आया है वो कब आया है? तो ऑप्शन थे 1986, 92, 2006 और 2009. तो आप लोग समझ ही गए होंगे 2009. और इंग्लिश की वकैब में आई थी, मेरे को याद था, एक क्वेल QUELL, इसका अपोजिट मीनिंग, और एक था कैलस CALLOUS, कैलस, इसका नियरेस्ट मीनिंग, ये पूछे गए थे. और जनरल अवेयरनेस से भी दो तीन नए क्वेश्चन थे. एक था जो बाल साहित्य पुरस्कार था वो किसको मिला था, बाल साहित्य पुरस्कार. और एक क्वेश्चन था बेस्ट फीमेल एथलीट जो 2016 में हुआ था, 2016 नहीं सॉरी 2022 में हुआ था, बेस्ट फीमेल एथलीट अवार्ड 36th नेशनल जो गेम्स हुए थे वो किसको मिला था. तो ये मेरे को चार पांच क्वेश्चन यहाँ से ध्यान थे कि मैथ्स कैलकुलेटिव ज़्यादा आ रहा था. जो 24 फेब को पेपर था, रोमन नंबर्स भी आ रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन था. और क्वेश्चन कहाँ से था, स्टेटिस्टिक्स से भी क्वेश्चन बन रहे थे. अभी बस मेरे को इतना ही ध्यान है. अगर इन कुछ क्वेश्चन से आपकी हेल्प हो पाती है तो द बेस्ट है, अदरवाइज आप लोग अपनी मेहनत कर ही सकते हैं.